कुछ बोलना चाहोगे? ओके चल। हे हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं मेरे दिन की शुरुआत कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सो हैव ए नाइस डे। एंड आज मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो वो भी दिखा दूंगी आप लोगों को कि कहाँ जाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। तो ये हम एक शॉप पे आ गए हैं, साडा मेखला के शॉप पे। यहाँ पे मेरी बुआ मेरी दादी को कुछ गिफ्ट करने वाले हैं साडा मेखला, तो वही देखने के लिए आए हैं कि कौन सा पसंद आए। तो दिखा रही हूँ मैं कि कौन सा पसंद आएंगे हमारे दादी को, तो चलिए देख लेते हैं। वैसे तो हमें बहुत सारी वैरायटीज़ के साडा मेखला दिख रहे हैं, लेकिन सबके चॉइसेस अलग अलग होते हैं ना। तो मेरी बुआ की चॉइस कुछ अलग है और मेरी दादी की चॉइस कुछ अलग है, तो हम अलग अलग देख रहे हैं कि कौन सा अच्छा लगे। कभी बुआ बोल रही है कि ये ले लो, तो दादी बोल रही है ये ले लेती हूँ। तो देख लेते हैं क्या लेते हैं हम लोग। मुझे ना ये भी पसंद आ रही थी, ये मेरी दादी को भी पसंद आ रही थी, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा फेड लग रहा था, ज़्यादा शाइनी नहीं है, तो लेना चाहिए हमको। और अभी ये भी देख रहे हैं, ये भी कलर अच्छा लग रहा है वाइट में भी, और दादी को ना बहुत पसंद है ये वाइट कलर। ऐसे मतलब जो लाइट कलर है उनको बहुत पसंद है लाइट कलर्स, तो हम यही देख रहे हैं कि कौन सा अच्छा लगे। और इसमें ना गोल्डन कलर के ऐसे फ्लावर्स दिए हुए हैं, तो ये बहुत पसंद आ रहे हैं उनको। लेकिन देखते हैं अभी फाइनल कौन सा करते हैं, कौन सा कपड़ा ले। ये एक शॉप पे आ गए हैं, दूसरे वाले शॉप पे, और यहाँ पे भी बहुत सारे वैरायटीज़ के कपड़े दिखा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसे ज़्यादा वैरायटीज़ के दिखा देने से भी कंफ्यूजन हो जाती है। और वो वाला जो देख रहे हैं हम लोग, ये वाला अच्छा ही लग रहा है हमको, देखते हैं क्या करते हैं। आई थिंक ये ही लेना अच्छा होगा। हम फाइनली ले रहे हैं ये वाला, और ये बहुत ही पसंद आया उनको भी हमको भी। हम बुआ मैं और दादी हम तीन गए थे, तो हम तीनों को ही ये पसंद आ गया, तो हाँ शायद यही लेना चाहिए हमको, तो हम यही ले लेंगे अभी। सो दादी को बुआ ने ये वाला मेखला चादर गिफ्ट कर दिया है, और बुआ बोल रही है तुम लोग, तुम और तुम्हारे बहन के लिए भी कुछ ले लो एज ए गिफ्ट। बट हम रेजिस्ट कर रहे थे, हमको नहीं चाहिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत फोर्स किया तो लेना पड़ा। हे एवरीवन, तो अभी मैं जाने वाली हूँ बालाजी टेम्पल। अभी इवनिंग को बालाजी दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है, तो वही आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। चलिए चलते हैं। चलिए तुम कुछ बोलना चाहोगे? ओके चलिए चलिए चलते हैं। तो ये हम एंटर कर रहे हैं गुवाहाटी के बालाजी टेंपल पे, तो देख सकते हैं आप लोग कितना नज़ारा कितना सुंदर है। और यहाँ पे मैं फ्रंट टू लास्ट तक दिखाऊंगी, और वैसे अलाउड नहीं है कैमरा अंदर लेना, तो बाहर का ही व्यू सोच रही हूँ दिखा दूँ थोड़ा सा आप लोगों को।
तो आप लोग तो सब बालाजी पे आए ही होंगे कोई लोग, लेकिन अगर नहीं आए हैं तो ज़रूर आइए, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो ये बालाजी का एंट्री गेट है, इसके अंदर मैं नहीं लेके जा सकती हूँ कैमरा को, अलाउड नहीं है। तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, और उस तरफ दिख रहे हैं जो, उस तरफ हम चप्पल रख सकते हैं और उस तरफ प्रसाद दिए जाते हैं जो हमको ख़रीदने होते हैं। तो ये एंट्री गेट तक ही दिखा सकती हूँ मैं। तो यहाँ पे हमको चप्पल को रख देना है और वहाँ पे एक ट्यूबवेल पे हमको पैरों को धो लेना है, फिर हम मंदिर एंटर कर सकते हैं। उस तरफ है लड्डू प्रसाद, वहाँ पे हम प्रसाद ले सकते हैं वहाँ से। और ग्रीन ग्रीन बहुत ही सुंदर, ग्रीन के बीच में वाइट बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और इस तरफ जाके हम हमारे कार्स बाइक सब पार्क कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं घर जाने वाली हूँ, हमारे घर बुआ के घर से। सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ, तो चलते हैं। तो अभी हम बस पे ट्रैवल कर रहे हैं और ये सुबह सुबह की बस है, तो सुबह सुबह आना ट्रैवल करना अच्छा ही लगता है मुझे। और ट्रेन से तो ज़्यादा मुझे बस में ही आना बहुत पसंद है, क्योंकि ट्रेन में पता नहीं क्यों मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता जितना बस में अच्छा लगता है। और ये हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी, और ये हराईघाट ब्रिज भी आ गए हैं। और हराईघाट ब्रिज में ज़्यादातर तो बहुत भीड़ होती है, बहुत ट्रैफिक होती है, लेकिन आज मॉर्निंग की वजह से थोड़ा सा कम है ट्रैफिक। और जब से ये दो ब्रिज बनाए हुए हैं हराईघाट के, दो ब्रिज है, पुराने वाला और एक ये नया वाला, इस ये नए वाले से हम जा रहे हैं, तब से थोड़ा सा ट्रैफिक कम लग रहा है मुझे। तो चलिए चलते हैं घर तक, फिर घर जाके मैं क्या क्या करती हूँ आप लोगों को दिखाऊँगी ज़रूर। और आज लक्ष्मी पूजा भी है, तो देखते हैं हम घर पे कैसे लक्ष्मी पूजा सेलिब्रेट करते हैं। और अभी तक आप लोग अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, तो इसको ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि और कैसे कैसे वीडियोज़ चाहते हैं मेरे चैनल पर। सो स्टे ट्यून्ड। और मैं अभी क्रॉस कर रही हूँ ब्रह्मपुत्र रिवर, जो एशिया का लार्जेस्ट रिवर है, जो आप लोगों को पता ही है। और चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये मैं बुआ के घर से हमारे घर आ गई हूँ, और इस दिन लक्ष्मी पूजा है। तो लक्ष्मी पूजा के दिन हम ऐसे थोड़े करके थोड़े थोड़े ऐसे सामान ला के फिर पूजा किए थे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं किया पूजा, छोटे करके ही घर पर ही पूजा किए। तो ये यहाँ पे मम्मी हमारी पढ़ रही है लक्ष्मी पाठ। तो हम अभी ये प्रसाद एंजॉय कर रहे हैं, और हमारे घर पे आए हुए हैं हमारे दो कजिन्स, तो वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने लक्ष्मी पूजा कैसे सेलिब्रेट किया है। सो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।